हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने लक्ष्मी बबीता किचन में। आज हम एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जो घर के ही इंग्रेडिएंट से हमने इस रेसिपी को बना के तैयार किया है। इसमें ज़्यादा हमने कुछ भी बाहर की चीज़, बाहर का सामान यूज़ नहीं किया है। अक्सर ये सारी सामग्री हमारे घर में मौजूद होती है। बहुत ही क्रिस्पी सी ये रेसिपी हमने बना के तैयार की है और फटाफट से बन जाती है। ये रेसिपी बनाने में भी काफ़ी आसान है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिए है मैंने ये एक कटोरी मूंग की दाल। ये छिलके वाली मूंग की दाल है। इसको 4-5 बार अच्छी तरह से धोएंगे क्योंकि जो धूल मिट्टी होगी इसकी निकल जाएगी। इसको हाथों से मसलते हुए हमें धोना है। इसको हमें भिगोना नहीं है, बस धोना है। और धो के एक छलनी लेनी है और इसका सारा पानी निकाल लेना है। इसमें पानी, इस रेसिपी में हमें दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए। अब ये सारा पानी इसका निकल जाए जब, फिर लेंगे एक मिक्सिंग जार, इसमें डाल देंगे ये सारी दाल को। हमें इसमें बिना पानी डाले हुए इसको ढक्कन लगा के पीसना है। ये थोड़ा इस तरीके की दरदरी पीस के तैयार हुई है, देखिए इस तरीके के मोटी। और इसमें डालेंगे हम ये गरम उबलता हुआ पानी। पानी इसमें हमें ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना डालना है कि ये हमारी दाल भीग जाए। बस जिस तरीके से आपको दिख पा रही है उतना ही हमें इसमें पानी डालना है। ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, ढक्कन लगा के साइड में रख देना है। अब दो ले लिए हैं मैंने, ये छोटे आलू हैं, आपका बड़ा हो तो एक ले लें। और ये मोटी साइड से जो ग्रेटर है उधर से हम ये कद्दूकस कर लेंगे दोनों आलूओं को। और इसको भी एक बर्तन में डाल के अच्छी तरह इसका स्टार्च निकलने तक इसको धो लेंगे। जब इसका पूरा स्टार्च निकल जाएगा इसमें पानी डाल के इसको भी साइड में रख देंगे जिससे आलू काले नहीं पड़ेंगे। इस तरीके से ढक्कन लगा कर मैं रख दूंगी। फिर एक मिक्सिंग जार लेंगे, उसमें डालेंगे एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच जीरा। और लेंगे इसमें 4-5 लहसुन की कलियाँ और 4-5 एक लेंगे अदरक का टुकड़ा और इसको काट के डाल देंगे। ये बड़ा अदरक का टुकड़ा है। और अब लेंगे 4-5 हरी मिर्ची और मिर्ची को भी बीच में से काट के डाल देंगे। ये काफ़ी हमारा फ्लेवरफुल मसाला बनके तैयार होगा। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा रेसिपी में इसको डालने से। तो सारी मिर्चियों को हमने काट दिया है। अब ढक्कन लगा के इसको पल्स मोड पे पीस लेंगे। इसको ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, इसको हमें हल्का दरदरा रखना है। इस तरीके से इसको मोटा ही रखना है। अब मसाले को भी हम साइड में रख देंगे। अब देख लेते हैं हम दाल को कि दाल हमारी कैसी भीगी है। देखिए दाल अच्छी तरह फूल चुकी है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। इस रेसिपी में हमें पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आपकी दाल में थोड़ा बहुत पानी हो तो इसे छलनी से निकाल के अलग कर दें, पर इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। अब ये जो हमने आलू ग्रेट किए थे इनको अच्छे से हाथ से निचोड़ के ये दाल के साथ मिक्स करेंगे। सारे आलूओं को हम डाल देंगे, पानी इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए आलू में। अच्छे से निचोड़ लेंगे मुट्ठी से दबा के। सारे आलू को अब मैं डाल दूंगी दाल के साथ में। और फिर लिया मैंने एक प्याज। प्याज को मैंने लंबा स्लाइस में काट लिया है और इसको इस तरीके से डालेंगे इसके सारे लच्छे खोल जाएं। इस तरीके से हाथ से मसल के इसको डाल देंगे। प्याज के सारे लच्छों को हाथ से अच्छी तरह मसल के खोल के डाल देंगे जिससे सारे लच्छे खुल जाए इसके। अब जो हमने ये फ्लेवरफुल मसाला अपना बना के तैयार किया है इसको इसके साथ मिक्स करेंगे। सारे मसाले को इसमें डाल दूंगी। अब डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले। आधा चम्मच ये अमचूर पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और ये आधा चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला और आधा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और सारी चीज़ों को डाल के हम मिक्स करेंगे पहले, जिससे कि ये सारे मसाले और ये प्याज आलू दाल में अच्छे से मिल जाएं। अब मैं लूँगी इसमें, मैंने लिए हैं 4-5 कड़ी पत्ते। इनको अच्छी तरह धो के इनको बारीक काट लिया है। अब इसको इसमें मिला देंगे। अब लेंगे हम हरा धनिया। आप इनकी जगह इनमें से दोनों में से एक चीज़ भी ले सकते हो। और एक बड़ा चम्मच भर के लेंगे हम सफ़ेद तिल। ये भी डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं।
और ये ले रही हूँ मैं चावल का आटा, 2 चम्मच डालूँगी चावल का आटा। और ये आधा कटोरी लिया है मैंने बेसन, इसमें 2 चम्मच भर के हम बेसन डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। ज़रूरत लगेगी तब बाद में बेसन और मिलाएंगे, नहीं ज़रूरत लगेगी तो नहीं मिलाएंगे। अभी चम्मच से मिला रही हूँ, चम्मच को रख देते हैं साइड में, चम्मच से अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। अब मैं हाथ से इसकी सारे को मिक्स करूँगी। हाथ से मिक्स करने के बाद हम इसका एक ऐसा डोसा बना के तैयार करेंगे, जिससे एक टिक्की की सी शेप में, ये ज़्यादा टाइट नहीं रहता है, हल्का सा ये पतला ही रहता है। अब जो बेसन हमारा बचा था उसको भी इसमें डाल देंगे, सारे बेसन को डाल के इसके साथ मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये सारा देखिए हमारा ये मिक्स हो चुका है। अब मैं हाथों को धो लूँगी और धो के थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे हाथ पे, ये हल्का सा पतला ही रहेगा, ज़्यादा ये टाइट नहीं रहेगा। और इसको एक टिक्की की आकार का हम शेप देंगे, आप अपनी मनपसंद कोई भी शेप बना सकते हैं इस नाश्ते को। और बना के सारे को प्लेट में रख लेंगे। अब मैं दूसरी भी टिक्की बना के, बहुत ही आसानी से ये टिक्की बन पा रही है, देखिए ये दूसरी भी टिक्की हमने बनाकर तैयार कर ली है। इसी तरीके से हम बाकी सारी टिक्कियां भी बना के तैयार कर ली। और अब रख दिया है हमने तेल को पहले ही गर्म होने के लिए, और एक एक करके सारी टिक्की हम ये कढ़ाई में छोड़ते जाएंगे। और सारी टिक्कियों को छोड़ दिया है, इसे कुछ सेकंड के लिए हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, ऐसे ही इसको सिकने देंगे। उसके बाद हम इसको पलट देंगे, जब इसका हल्का सा ये कलर थोड़ा सा इसका गोल्डन हो जाए तब हमें इसे पलटना है। इसे हमें उलटते पलटते चारों तरफ से अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक इसे हमें सेक लेना है। इसमें ऑयल भी ज़्यादा नहीं लगता, बहुत कम ऑयल में ये फ्राई हो जाती हैं। वो सारी टिक्कियाँ देखिए अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है, सारी टिक्कियाँ हमारी सिक चुकी हैं। अब सारी टिक्कियों को एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और जो हमारी बाकी की टिक्कियाँ हैं उनको भी इसमें इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे। अब ऐसे ही मैं भी ऐसे ही सारी टिक्कियाँ डाल दूँगी, इनको भी इसी तरीके से हल्का गोल्डन कलर होने तक हमें फ्राई करना है। देखिए काफ़ी अच्छी हमारी ये टिक्की सिक्के तैयार हो गई हैं कुछ ही देर में, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करके बताना कि मुझे ये रेसिपी, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और इसको हमने मूंग की दाल से बनाया है तो ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय एंड टेक केयर।